नमस्कार। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है? कौन से एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10 एनसीईआरटी। तो लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड ये वर्ड प्रॉब्लम है। क्या बोल रहे हैं हमें? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स हाफ। इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन? हमें फ्रैक्शन क्योंकि निकालना है, तो फ्रैक्शन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक तो न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। तो कोई भी फ्रैक्शन हम एज्यूम करेंगे तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज्यूम करना पड़ेगा। तो वही काम हम इस क्वेश्चन में भी कर लेते हैं। तो एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज्यूम करना है तो लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। तो जब न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर वाई है तो फ्रैक्शन किस तरीके का हो जाएगा? फ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगा एक्स बाय वाई। अब दो कंडीशन गिवन है तो दोनों कंडीशन से हम इक्वेशन निकालेंगे, उसको सॉल्व करके एक्स और वाई तक पहुंचेंगे। तो पहला कंडीशन क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? पहला कंडीशन बोल रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अब ऐसा फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो वही ये बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करे और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करे, जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो हमारे पास 1 हो जाए। ये इसका कहने का, ठीक है? ठीक है, फिर यहां से इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसको उधर ले आते हैं तो x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, ठीक है? तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक सेकेंड, x माइनस y, ठीक है, और इस 1 को उधर ले जाएंगे तो इक्वल्स टू माइनस 2। क्लियर? ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया। फिर क्या बोल रहा है? अगेन दूसरे कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन है इट बिकम्स हाफ, मतलब फ्रैक्शन हाफ हो जाता है। कब? जब हम ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब इस बार न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करेंगे तो जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो ये बोल रहे हैं हाफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2x इक्वल्स टू y प्लस 1 या फिर 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। क्लियर है? कोई दिक्कत तो हुआ नहीं अभी तक। सेकेंड इक्वेशन इसको मान लेंगे। अब आपको जो भी मेथड पसंद है ना उससे आप इसको सॉल्व कर ले, ठीक है? तो मुझे तो पर्सनली सब्स्टिट्यूशन मेथड उतना अच्छा नहीं लगता, मुझे एलिमिनेशन ज़्यादा पसंद है अगर इक्वेशन सिंपल हो तो।
अभी भी सिंपल है, तो माइनस वाई दोनों में तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई करने का भी दिक्कत नहीं है, पहले इक्वेशन को बस एज इट इज लिख दे एक्स माइनस वाई बराबर माइनस टू, दूसरे इक्वेशन को भी लिख दे टू एक्स माइनस वाई बराबर वन, क्या करे कि ये सब हट जाए, सब्ट्रैक्ट कर दे तो साइन चेंज होगा, यहाँ भी साइन चेंज होगा, x में से 2x गया माइनस एक्स, माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा माइनस टू माइनस वन मतलब माइनस थ्री, तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया। अच्छा x का वैल्यू जब ही 3 आ गया किसी भी इक्वेशन में रख दे, इक्वेशन वन में रख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन वन x माइनस वाई माइनस टू है, तो x है 3 माइनस वाई बराबर माइनस टू, माइनस टू को इधर ले जाए तो 3 प्लस टू वाई को उधर ले जाए बराबर y, y का वैल्यू क्या आ गया 5 के इक्वल, तो हमें x भी मिल गया हमें y भी मिल गया, तो जो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या था x बाय वाई, तो वो हो जाएगा 3 बाय 5, ठीक है यही फाइंड करना था हमें। अच्छा अब आप बोलेंगे कि चेक करके दिखाओ कि दोनों कंडीशन इसके लिए ट्रू है या नहीं, तो चेक कर ले, पहला कंडीशन क्या था कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे तो 3 प्लस 1 4 बनेगा, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, नीचे से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो 5 माइनस 1 वो भी 4, तो क्या ये 1 के इक्वल हो जा रहा है, पहला कंडीशन ट्रू। दूसरा कंडीशन अ फ्रैक्शन इट बिकम्स हाफ इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़े डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो 5 प्लस 1 6, तो ये हाफ तो बन ही गया, तो दूसरा कंडीशन भी ठीक है, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो सही, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए, वर्ड प्रॉब्लम में अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम हैं, तो जब भी फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम आए तो फ्रैक्शन एज्यूम कर लेना है, न्यूमरेटर x एज्यूम किया डिनोमिनेटर y, अब जो कंडीशन वो दो बोलेगा उसके हिसाब से हम हर कंडीशन के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन निकाल लेंगे, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे जो भी मेथड आपका फेवरेट है उससे, ठीक है। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, और कुछ खास था नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार।